वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम कैप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो जो हमारा सोडियम होता है उसको हम केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्ज्ड करके रखते हैं। तो सोडियम वेरी रिएक्टिव मेटल होता है, जब भी वो एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। तो वो उनके साथ रिएक्ट ना कर पाए इसलिए सोडियम को क्या करके रखते हैं, इमर्ज्ड करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डक्टिलिटी मेलिएबिलिटी। सो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि जब भी किसी भी मेटल को पुल करते हैं तो वो किसके फॉर्म में आ जाता है, थीन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसमें अगर उसको पुल करा जाए या कंप्रेस किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो डक्टिलिटी द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थीन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थीन शीट्स बाय हैमरिंग एक्शन इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर लस्ट्रस, मतलब एक शाइनी नेचर होता है उनका। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो हम जब ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था डक्टिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी क्या होती है, और ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल्स। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दे आर स्ट्रॉन्ग, वो हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नॉन मेटल्स पे आते हैं, दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इजीली वो ब्रेक हो जाते हैं। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर नॉन लस्ट्रस, मतलब उनका कोई शाइनी नेचर नहीं होता है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे मे बी सॉलिड लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेज भी हो सकते हैं। मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करे तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो सम मेटल ऑक्साइड्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एज वेल एज बेसेस, दे रिएक्ट विथ एसिड्स एंड बेसेस बोथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। और ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, फॉर एग्जाम्पल। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है जिंक ऑक्साइड। मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्वारिजिया। सो एक्वारिजिया, तो सारे मेटल्स जो है डिजोल्व नहीं हो पाते हैं किसी एसिड के साथ। तो एक्वारिजिया ऐसे एसिड होता है जो कि डिजोल्व कर लेता है सारे मेटल्स को, इवन गोल्ड को भी। सो एक्वारिजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ वन पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड थ्री पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वारिजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स। तो एक्वारिजिया एक मिक्सचर होता है जिसमें एक पार्ट नाइट्रिक एसिड का रहता है और तीन पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।